सिंगापुर मॉर्निंग, बताइए इंपॉर्टेंट हफ्ता है मार्केट्स के लिए, क्या कुछ होने वाला है? गुड मॉर्निंग, फेड मीटिंग है उस पर ही नजर रहेगी, लेकिन फ्राइडे के दिन थोड़ी कमजोरी हमने देखी थी और संकेत भी कहें तो सुस्त आपको नजर आएंगे। अमेरिकी बाजार में दूसरे दिन कमजोरी आती हुई दिखे, शुक्रवार को 200 अंक फिसल कर जो है डाउ बंद होते हुए नजर आया। आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है कि कमजोरी वहां पर ज्यादा आती हुई नजर आई, आईटी में बिकवाली देखने को मिली जिसकी वजह से नैस्डेक करीबन 1% नीचे बंद होते हुए दिखा। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो मिड कैप इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट करीबन आधे परसेंट ऊपर आपको वहां पे जो है जो मूवमेंट है वो आते हुए दिखा। वहां पे हल्की जो है खरीदारी हमने आती हुई देखी शुक्रवार के दिन, लेकिन वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो डाउ और S&P में मामूली गिरावट आपको देखने को मिली और नैस्डेक देखें तो 0.5% नीचे ही आपको पूरे हफ्ते की क्लोजिंग में गिरता हुआ नजर आया। तो पिछले हफ्ते थोड़ी कमजोरी हमने US बाजार में देखी, स्पेशली फ्राइडे को IT स्टॉक्स पिटते हुए नजर आए, 1% की गिरावट नैस्डेक में थी, लेकिन स्मॉल कैप में दूसरी तरफ आधे परसेंट की तेजी भी फ्राइडे को आती हुई नजर आई। इन सब का कारण था फ्राइडे के दिन बढ़ती बॉन्ड यील्ड का जो दबाव हमने देखा उसकी वजह से कमजोरी रही बाजार में। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.3% के पार जाती हुई नजर आई, अनुमान से ज्यादा महंगाई जो बाजार महंगाई के जो आंकड़े आते हुए दिखे जिसकी वजह से बाजार का थोड़ा मूड बिगड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा था। इस हफ्ते सबकी नजरें जो है वो फेड पॉलिसी जो आने वाली है उस पर ही रहेगी। US में फेड पॉलिसी आती हुई दिखेगी, बाकी भी काफी सारे सेंट्रल बैंक से उनकी तरफ से भी जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी आएगी, तो वहीं पर रहेगी नजर। मार्च और मई में रेट कट की जो संभावना फिलहाल पहले बनी थी वो अब कम हो गई है, ना के बराबर हो चुकी है, तो यहाँ पर भी जो कॉमेंट्री होगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जून की रेट कट का अनुमान भी जो है वो लगातार यहाँ पे गिरते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ जो बाजार पहले प्राइसिंग लेके चल रहा था कि जून में एटलीस्ट एक रेट कट आएगा, उसके अनुमान में भी हमने देखा है कि गिरावट आती हुई दिखी है। कॉमेंट्री जो यहाँ से निकल कर आएगी उस पर बाजार की जो है वो नजर रहने वाली है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, आगे की जो फेड पॉलिसी के बदलाव होंगे उसको लेकर हो, उस पर बाजार की नजर बिल्कुल बनी रहेगी। कच्चा तेल देखें तो $85 के पास फिलहाल बना हुआ है, वहीं पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन सोने में 4 हफ्तों के बाद हमने देखा है कि वीकली गिरावट आती हुई नजर आई है, तो यहाँ पे फोकस करके चलेंगे। इस हफ्ते काफी कुछ है, काफी सारे सेंट्रल बैंक्स जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जिनकी आने वाली है, फेड US में जो फेड है उसकी पॉलिसी आती हुई दिखेगी आपको, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आती हुई दिखेगी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आती हुई दिखेगी, और इन सबसे हटके देखे तो एक और इवेंट है एनवीडिया का, एनवीडिया की जो डेवलपर कॉन्फ्रेंस है उस पर भी नजर बनी हुई रहेगी। तो कमजोरी वाला सेशन था फ्राइडे के दिन, नैस्डेक में ज्यादा गिरावट थी कंपेयर टू डाउ, 1% टूटकर बंद होते हुए दिखा नैस्डेक। आईटी स्टॉक में मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक में हमने गिरावट देखी थी फ्राइडे के दिन, लेकिन इस हफ्ते सबकी नजर फेड पॉलिसी पर और बाकी सेंट्रल बैंक जो मॉनिटरी पॉलिसी डिक्लेयर करेंगे उस पर रहेगी। बिल्कुल, तो जेरोम पावेल साहब क्या कुछ कहेंगे उस पर हमारी नजर बनी हुई है, हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। शुक्रिया अनुपुर ये सारे अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।